जब कोई क्लब एक्सपेंसिव साइनिंग करता है तो सारी स्पॉटलाइट उसी प्लेयर पर होती है और फैंस भी अक्सर बाकी की साइनिंग्स पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसे अंडरडॉग्स के बारे में जिन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया सुपरस्टार्स को। नंबर 3, हैमिश रॉड्रिगेस और टोनी क्रूस। 2014 में मैड्रिड ने साइन किए गोल्डन बॉय रॉड्रिगेस को 80 मिलियन यूरोज में और उसी विंडो में मैड्रिड ने टोनी क्रूस को भी साइन किया था सिर्फ 30 मिलियन यूरोज में। रॉड्रिगेस फेल्ड टू परफॉर्म एट रियल मैड्रिड लेवल। नंबर 2, ईडन हजार्ड और रॉड्रिगो। ईडन हजार्ड ने मूव किया मैड्रिड फॉर 100 मिलियन यूरोस और उसी ट्रांसफर विंडो में रॉड्रिगो ने भी साइन किया फॉर 45 मिलियन यूरोस। पर हजार्ड मोस्टली इंजर्ड रहे जबकि रॉड्रिगो बने क्लब हीरो जब उन्होंने फेमसली स्कोर किए 2 गोल अगेंस्ट मैन सिटी। और नंबर 1, एंडी कैरल और लुइस सुआरेस। 2011 जनवरी ट्रांसफर विंडो के डेडलाइन डे पर किंग केनी ने साइन किया एंडी कैरल को फॉर अ क्लब रिकॉर्ड फी ऑफ 35 मिलियन पाउंड्स और इसी से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सुआरेस को भी साइन किया था फॉर 22 मिलियन। कैरल स्ट्रगल टू गेट ऑन स्कोर शीट और 2012 में ही वाज लोन डाउन टू वेस्ट हैम जबकि लुइस सुआरेस वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट प्रीमियर लीग स्ट्राइकर ऑफ द हिस्ट्री।